चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसमें हम फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, विच वी कॉल बॉइलिंग पॉइंट। और हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है गाइस, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। इट मींस जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ज्यादा उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। So, अगर मैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करता हूं, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कीटोन से, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईथर से, और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्केन से। अगर मैं एल्कोहल की बात करूं, तो एल्कोहल वो होते हैं जिसमें OH फंक्शन ग्रुप होता है, कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शन ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में CHO फंक्शन ग्रुप होता है, ईथर में ROR बोलिए या फिर ROR- जो बनाता है वो कहलाता है ईथर, और एल्केन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, विच वी ऑल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। सो गाइस, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट यहां पे सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एल्कोहल होता है गाइस, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यहां पे होता है एल्केन का गाइस। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे जो निकल के आता है वो ये है गाइस कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। सेकेंड, कीटोन और एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से तो कम होता है, बट ईथर और एल्केन से ज्यादा होता है। इसका आंसर यह है कि कीटोन और एल्डिहाइड क्या करते हैं गाइस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फॉर्म करते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ये फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर और हाइड्रोकार्बन एल्केन से ज्यादा होता है। वहीं पे ईथर और एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है क्योंकि इनमें पाया जाता है वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस जो बहुत वीक फोर्स होते हैं। सो यहां से फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज मच हाइयर देन, इज मच हाइयर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर, इज मच हाइयर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर of almost comparable molar mass, of almost comparable molar mass। इसका मतलब गाइस यहां पे ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूं, वी हैव CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव CHO, ये मेरे पास एल्डिहाइड है। वहीं पे अगर मैं एक हाइड्रोकार्बन लेता हूं, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3। So guys, अगर हम इन दोनों को देखते हैं और दोनों का मोलर मास निकालते हैं या फिर मॉलिकुलर मास निकालते हैं, तो यहां पे देखिए हमारे पास तीन कार्बन है और एक कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 6 है और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 12 3 36 प्लस 6 एंड 116 16, तो आप चेक करेंगे तो ये आपको मिलेगा 58 मोलर मास इस एल्डिहाइड का। वहीं पे अगर आप इस एल्केन का निकालते हैं, सो वी हैव 4 कार्बन जिसमें से एक कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन हमारे पास है गाइस 3+2 5, 5+2 10 है हमारे पास, तो 10 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, और इन दोनों का अगर हम मोलर मास निकालते हैं तो 12 4 48 10, तो यहां पे भी देखिए इसका भी मोलर मास या मॉलिकुलर मास कितना निकला, 58। इट मींस एल्डिहाइड और एल्केन दोनों का जो मास है वो कैसा है, कंपेरेबल है या फिर इक्वल है। कंपेरेबल मास होने के वजह से, कंपेरेबल मास होने की वजह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों का, दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप कहेंगे यहां पे एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन हाइड्रोकार्बन। रीजन यहां पे क्या है? रीजन यहां पे ये है कि एल्डिहाइड में कौन सा इंटरेक्शन पाया जाता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट का यहीं से निकल के आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईथर और एल्केन से। रीजन यहां पे क्या है? रीजन यहां पे ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, दोनों का मास तो सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, एल्डिहाइड का, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या पाया जाता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। अब कैसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लेता हूं एल्डिहाइड, सो वी हैव CH3, वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड वी हैव हाइड्रोजन। अगर मैं इस एल्डिहाइड को देखता हूं, तो इस एल्डिहाइड में जैसे ही आप ऑक्सीजन को देखोगे, तो ऑक्सीजन पे तो आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज।
अब ये एल्डिहाइड अपने ही एल्डिहाइड से क्या करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वी हैव CH3, वी हैव डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, वी हैव H। अब आपको पता ही है ऑक्सीजन जो नेगेटिव है ये क्या करेगा, कार्बन पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहां पे क्या करेगा, फॉर्म करेगा गाइस, जिसके वजह से एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है देन ईथर एंड एल्केन ऑफ कंपेरेबल मोलर मास। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। सो गाइस अगर मैं यहां पे सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहां पे रीजन क्या है गाइस, रीजन यहां पे ये है कि जो आपका एल्कोहल है गाइस वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के वजह से, इस पे होने के वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, वी हैव एल्कोहल, वी हैव C2H5, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव हाइड्रोजन, ये रहा हमारे पास एल्कोहल। और आपको पता है ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब हाइड्रोजन जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से। जैसे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो फ्लोरीन से, हाइड्रोजन जुड़ा हो ऑक्सीजन से, या फिर हाइड्रोजन जुड़ा हो नाइट्रोजन से, तो समझ जाना यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो आपका एल्कोहल है, इथेनॉल है, ये इथेनॉल क्या करता है, दूसरे इथेनॉल के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है गाइस, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे एक इथेनॉल है जिसमें ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो डायरेक्टली जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ। इट मींस यहाँ पे कैसा बॉन्ड पाया जा रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा होगा, जिसके वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब गाइस अगर हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, तो थर्ड पॉइंट हमारे दिमाग में ये आएगा कि ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एल्कोहल से और ज्यादा होता है ईथर और एल्केन से। अब यहां पे ये बता दीजिए कि एल्केन, एल्डिहाइड और कीटोन में आपस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सो गाइस अगर मैं यहां पे लेता हूं एक एल्डिहाइड, वी हैव CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव C(OH). सो गाइस ये है मेरे पास एल्डिहाइड, और एक मैं ले लेता हूं कीटोन, वी हैव CH3, वी हैव C(O), वी हैव CH3। सो गाइस यहां पे हमने एक तो ले लिया है एल्डिहाइड और एक हमने यहाँ पे ले लिया कीटोन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एल्डिहाइड और कीटोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो आपको तो पता है किसका ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, कीटोन का। गाइस रीजन यहाँ पे क्या, देखिए दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो पाया जाता है लेकिन कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। रीजन यहाँ पे क्या है, रीजन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये दो एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है, यहाँ देखिए यहाँ पे दो CH3 ग्रुप जुड़े हैं, इट मींस ये दो एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है, वहीं पे आपका जो एल्डिहाइड है वो सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है। तो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा गाइस उतना ज्यादा भीड़भाड़ होगी, उतना ज्यादा क्राउडिंग होगी, उतना ज्यादा उसका स्टैटिक हिंड्रेंस होगा, जितना ज्यादा स्टैटिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा तोड़ने में ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से क्या होता है, ज्यादा होता है, और एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो गाइस हम लोग क्या देखना चाह रहे थे, हम लोग देखना चाह रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि कीटोन जो है वो दो एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है, विच मींस यहाँ पे क्राउडिंग बहुत है, भीड़ भाड़ बहुत है, जिसकी वजह से स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा, स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा तो तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर देन एल्डिहाइड। सो आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा गाइस। चलिए मूव करते हैं और सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सो गाइस अगर मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ विच वी कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, तो हमें पता होना चाहिए कि जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं आर सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी होती है। लोअर एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब यह है कि जैसे आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड वाटर सॉल्युबल होता है, जैसे आपका हो गया एसिड एल्डिहाइड, जैसे आपका हो गया एसीटोन, दे आर वाटर सॉल्युबल गाइस लाइक एसीटोन, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो मैंने कहा कि जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं और जो लोअर कीटोन होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इट मींस यहां पे जो आपके लोअर एल्डिहाइड है और लोअर कीटोन है वो वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके वजह से लोअर एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में सॉल्युबल होते हैं गाइस।
अब सॉल्युबिलिटी का मतलब यही है, सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि कोई कंपाउंड जब वाटर में डिसॉल्व होगा अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाया तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा और नहीं बना पाया तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लोअर एल्डिहाइड लेता हूँ, वी हैव CH3 ठीक है, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव H, ये मेरे पास एल्डिहाइड है। जैसे ही मैं इसे वाटर में डालूंगा ये क्या करेगा, वाटर के हाइड्रोजन के साथ, ये रहा वाटर का हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट मींस यहां पे क्या बना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा, जिसके वजह से हमारे लोअर एल्डिहाइड और कीटोन वाटर सॉल्युबल होते हैं बिकॉज दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे सेकंड केस ये आता है गाइस कि जो हमारे हाइयर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, हाइयर एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वो वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ऐसा क्यों गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है, क्योंकि आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है गाइस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी। सो गाइस जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी आप मूव करते रहोगे हायर एल्डिहाइड और कीटोन की तरफ, तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी गाइस। सो ये रहा सेकंड रीजन। सॉल्युबिलिटी में हमने देखा कि जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। वहीं पे आपके हाइयर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है सॉल्युबिलिटी क्या होती है गाइस, घटती जाती है। तो ये था सॉल्युबिलिटी का कांसेप्ट। चलिए मूव करते हैं और स्मेल और फिजिकल स्टेट में चलते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की विच वी कॉल फिजिकल स्टेट एंड स्मेल, तो अगर हम लोग सबसे पहले स्मेल को देखते हैं तो आपके जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं गाइस, उनकी पंजेंट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, जैसे आपकी अमोनिया की भी होती है गाइस पंजेंट स्मेल। वहीं पर आपके जो हाइयर एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, हाइयर एल्डिहाइड एंड कीटोन, हाइयर एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं गाइस उन्हें परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है, जिसके वजह से जो आपके हाइयर एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनकी फ्रेग्रेंट स्मेल होती है क्योंकि इन्हें यूज किया जाता है परफ्यूम बनाने में। अगर मैं बात करता हूं इनके फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट में अगर मैं लोअर एल्डिहाइड और कीटोन को पकड़ लू, लोअर एल्डिहाइड लाइक अगर मैं पकड़ लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड को, ये रहा मेरा फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है गाइस वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्टेट का मतलब हो गया सॉलिड लिक्विड या गैस। तो आपका जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जैसे आपका फॉर्मेल्डिहाइड वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वहीं पे आपका जो एसिड एल्डिहाइड होता है, ये रहा आपका एसिड एल्डिहाइड, ये वोलेटाइल लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड। और जो हाइयर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, हाइयर एल्डिहाइड एंड कीटोन गाइस, जैसे जैसे हम हाइयर की तरफ जाते हैं गाइस ये लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते जाते हैं। सो ये था इनका फिजिकल स्टेट, जिसमें हमने देखा कि अगर हम स्मेल की बात करें तो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन की पंजेंट स्मेल होती है जैसे अमोनिया की होती है, वहीं पे हायर एल्डिहाइड और कीटोन की फ्रेग्रेंट स्मेल होती है जिसकी वजह से इन्हें परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है। फिजिकल स्टेट में हमने देखा कि जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एसिड एल्डिहाइड वोलेटाइल लिक्विड होता है, और जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हाइयर एल्डिहाइड और कीटोन की तरफ हम लोग जाते हैं, हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइस ये था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आप लोगों को आने वाली सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।